स्टूडेंट्स, आज हम गद्य खंड के बड़े भाई साहब नामक पाठ लेकर के आए हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। आज हम बड़े भाई साहब पाठ का सार जानेंगे और प्रेमचंद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि प्रेमचंद का जन्म सन 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका जन्म लमही नामक गांव में वाराणसी में स्थित है। वहीं पर इनका एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को हुई थी। ये हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार थे। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। सन 1910 में इंटर किया, 1911 में बीए की परीक्षा पास करके शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। जीवन के अंतिम दिनों में ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण इनका मंगलसूत्र नामक उपन्यास अधूरा रह गया था। इनकी जो इनका उपन्यास अधूरा रह गया था वो इनके बेटे ने पूरा किया था। इनकी रचनाएं देखिए, वरदान, निर्मला, करबला, रंगभूमि, गबन, गोदान, मानसरोवर, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ये महान उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे। शायद इनके जैसा लेखक के किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। आइए अब बड़े भाई साहब के पाठ के बारे में जान लेते हैं। ये लेखक की स्वयं की आत्मकथा है। इस कहानी में लेखक ने दो भाइयों की कहानी बताई है, जो गांव से पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहने के लिए आए हैं। दोनों एक साथ एक कमरे में रहते हैं। बड़े भाई का मन पढ़ाई लिखाई में हमेशा लगता था। जब उसे समय मिलता तब वे अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता, लेकिन छोटे भाई का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगता। और छोटा भाई कौन था? छोटा भाई स्वयं लेखक थे। तो लेखक ने अपने इसमें आत्मकथा लिखी है। तो क्या बता रहे थे कि बड़े छोटे भाई जो लेखक थे उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, वो हमेशा खेल कूद में आगे रहते थे। बड़े भाई साहब समय समय पर उन्हें डांटते फटकारते, पढ़ाई के लिए उनसे कहते, लेकिन वे इधर से सुनते और उधर दूसरे कान से निकाल देते। छोटे भाई कभी भी सीरियस ना होते। बड़े भाई साहब 14 साल के थे और छोटा भाई 9 साल का था। बड़े भाई साहब ने यहां तक कह दिया कि अगर उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो वे गांव चला जाए, अपने पिताजी की दादाजी की संपत्ति को बेकार न करें। बहुत कहने पर छोटे भाई ने क्या किया कि टाइम टेबल बनाया। उसने सोचा कि डेली डेली भैया मुझे डांटते हैं, तो उसने छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन जब बच्चों की आवाज उसको सुनाई देती, खेलने वाले बच्चों की, तो उनका मन वहीं पर चला जाता और उनका टाइम टेबल रखा का रखा रह जाता, वे बच्चों के साथ खेलने निकल आते। इतना पढ़ने के बाद भी बड़े भाई दिन रात पढ़ते, लेकिन जब वार्षिक परीक्षा हुई तो बड़े भाई फेल हो जाते हैं और छोटे भाई अपनी क्लास में प्रथम आते हैं। इससे छोटे भाई ने कहा
एक दिन कि आप तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं क्लास में प्रथम आ गया। तब बड़े भाई ने समझाया कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो रावण का भी नहीं चला जो चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उसको और भी तरह से समझाया कि तुम छोटे हो, तुम्हारा सिलेबस कम है, हम बड़े हैं, हमारा सिलेबस ज्यादा है। इस तरह से उसको समझाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बड़े भाई के मन में ग्लानि थी कि वे 2 साल फेल हो चुके थे। अब जब दूसरी बार परीक्षा होती है तब भी बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा भाई क्लास में प्रथम आता है। इसके बाद बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को डांटना बंद कर दिया। वे जो भी करता उसे थोड़ी स्वतंत्रता मिल गई, खेलने जाता, पतंग उड़ाने जाता, अब उसको बड़े भाई साहब ना डांटते। धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता बढ़ती गई और एक दिन वे पतंग उड़ा रहा था छोटा भाई, अचानक से वे बाजार से लौट रहे थे और वे अपने छोटे भाई से ही टकरा गए। तब बड़े भाई साहब ने उन्हें समझाया कि अब तुम 8वीं कक्षा में पहुंच गए हो और अब तुम्हें अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। और उसी समय अकस्मात एक और पतंग उड़ करके आती है जो उनके सर के ऊपर से गुजर कर जा रही थी। बड़े भाई साहब लंबे होने के कारण पतंग की डोर को पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनका छोटा भाई भी दौड़ता चला जाता है। इसी तरह से इस कहानी का अंत होता है। अब आप लोग अपनी किताब से इस बड़े भाई साहब गद्य खंड में बड़े भाई साहब का पाठ विस्तृत रूप से जरूर पढ़िएगा, ताकि अपने पाठ के बारे में अपने पाठ के बारे में उसकी कहानी जरूर मालूम होना चाहिए। ओके?